नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा आपके सामने जीए से लेकर एक बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने 2019 की सारी करंट अफेयर को यहाँ पे कवर किया हुआ है। यहाँ पर मैंने 650 करंट अफेयर के क्वेश्चन रखे हुए हैं, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को ये मिल सकते हैं। तो आप देखिएगा किस प्रकार से मैं आगे इन्हें समझाऊँगा और आप केयर करिएगा, इन्हें समझिएगा किस प्रकार से मैं इन्हें डील करता हूँ। चलिए देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा फर्स्ट क्वेश्चन बैट्समैन के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जो भी अपडेट दूँ आपको तुरंत अपडेट मिले। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलिए हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर सेंचुरी इन ODI डीवट। तो कह रहे हैं इसमें ODI डीवट में फर्स्ट बैट्समैन कौन से हैं। देखिए सबसे अच्छे बैट्समैन है, इनका नाम है KL राहुल और इनका पूरा नाम है कन्नूर लोकेश राहुल। ये ODI के लिए सबसे बेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं और फर्स्ट बैट्समैन है ये, ठीक है। ODI का मतलब सबको पता है, वनडे इंटरनेशनल के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। इनका नाम क्या है, कन्नूर लोकेश राहुल, बहुत फेमस बैट्समैन है, बहुत अच्छे बैट्समैन है। इनका जन्म 18 अप्रैल 1992 में हुआ है, ठीक है। 1992 यानी कि आप कह सकते हैं ये करीब 27 साल के हैं, ठीक है ना। 1992 का इनका जन्म है और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। क्वेश्चन आ सकता है कहाँ के, कर्नाटक के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेन्यू ऑफ द इंडियाज 500 क्रिकेट टेस्ट मैच, 500वां क्रिकेट मैच इंडिया में कहाँ खेला गया, कानपुर। हार्ट ऑफ एशिया समिट हेल्ड इन विच सिटी, तो हार्ट ऑफ एशिया जो समिट हुई अभी हाल ही में, ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई, अमृतसर में, ठीक है। विच इंडियन क्रिकेटर टू बी इंड्यूस्ड इन टू MCC, तो ये कौन है, अंजुम चोपड़ा, ठीक है। MCC के लिए कौन है, अंजुम चोपड़ा। नेक्स्ट है फर्स्ट टू लॉन्च साइबर पुलिस स्टेशन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। अभी हाल ही में सारी डिस्ट्रिक्ट्स में एक साइबर पुलिस सिस्टम स्टेशन लगाया गया है, तो अभी फर्स्ट इसमें से कौन सा है, तो दोस्तों फर्स्ट है इसमें से महाराष्ट्र। क्या है इसमें से फर्स्ट है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र एक पहला स्टेट बना जहाँ पर फर्स्ट लॉन्च साइबर पुलिस स्टेशन को बनाया गया। कॉस्टलियर रेलवे स्टेशन कौन सा है अभी पूरे वर्ल्ड का, ये है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ PNB, पंजाब नेशनल बैंक का कौन है, विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर। वेन्यू ऑफ द कॉमनवेल्थ 2018 का जो वेन्यू था वो कहाँ पर था, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस 2017 वेन्यू, इसका वेन्यू कहाँ था, ये बेंगलोर में था, ठीक है, कहाँ था, बेंगलोर में। नेक्स्ट है कंपनीज हु हैव टू शेयर हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर द सोशल, ठीक है। तो सोशल वर्क के लिए जो कंपनीज होती हैं उनका शेयर ज़्यादातर कितना परसेंट होता है, तो दोस्तों ये होता है आपका 2%, कितना, 2%। चलिए नेक्स्ट है इन अ फर्स्ट विच स्टेट इम्पोज फैट टैक्स ऑन अ जंक फूड, ठीक है। ऐसा भारत का कौन सा राज्य ऐसा पहला बना जिन्होंने जंक फूड पर एक फैट टैक्स लगाया। जितने भी जंक फूड हैं, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे बाहर का जो भी है, डोसा चाउमीन इडली है ना, ये जितना भी चलता है आपका पाव भाजी, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं बाहर की, तो इन्हीं सबको जंक फूड के अंदर आता है, सभी को मालूम है। और इस पर केरला ने सबसे पहले फैट टैक्स लगाया, क्योंकि इससे फैट बढ़ता है, क्लियर। द फर्स्ट इंडियन IOC मेंबर, ठीक है, इंडियन, ठीक है, जो क्रिकेट टीम होती है उसमें IOC का मेंबर फर्स्ट कौन है, ये है नीता अम्बानी, ठीक है। आपको पता है मुकेश अंबानी जी की वाइफ है नीता अंबानी, यह है। नेक्स्ट विच बैंक हैज़ रिसेंटली शट डाउन इट्स ऑपरेशन इन इंडिया, कौन से बैंक ने अभी हाल ही में शट डाउन किया अपना ऑपरेशन, तो ये है आपका RBS, ठीक है, RBS बैंक ने। नेक्स्ट है ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 किसे दिया गया, ये जैकी जैन को दिया गया, ठीक है, जैकी जैन, सभी जानते हैं जैकी जैन, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा बना, एयरटेल आपको पता है कहाँ, क्या कंपनी है ना, मोबाइल्स की कंपनी है, जिसमें हम लोग सिम्स वगैरह के लिए जानते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पेमेंट बैंक बना है एयरटेल बैंक, ये कौन सा है, राजस्थान। एम बाल मुरली कृष्ण एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, ये किससे रिलेटेड है, ये दोस्तों हैं म्यूजिक से, ठीक है। बाल मुरली कृष्ण जी किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से हैं, ठीक है। मुरली कृष्ण तो आप ऐसे याद कर लीजिए, म्यूजिक, ठीक है। हाउ मेनी टाइम डीमोनेटाइजेशन अकर इंडिया सिंस 1935, ठीक है। मोनेटाइजेशन भारत में
कब कब हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया 3 टाइम्स हो चुका है। 1935 में हुआ था, उसके बाद 1946 में, ठीक है, सॉरी 1935 के बाद पूछा गया, दैट मींस 1946 में हुआ था, फिर 1978 और 2016। दोस्तों देखिए, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है ये। देखो 1946 के बाद 78 में हुआ, समझ रहे हो, यानी कि 32 साल बाद। और 32 साल के बाद फिर आप केयर करिएगा, देखिए 78 के बाद आप लगाइए, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कितने साल हो गए, ये 22 आपके और ये 16, ये आपके 38 साल बाद। तो 38 साल बाद ये लगा, क्लियर है ना, 38 साल बाद ये लगा, यानी कि 38 आफ्टर ए ईयर्स ये आपको 2016 में डीमोनेटाइजेशन लगा है। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्विट्जरलैंड टूरिज्म। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है स्विट्जरलैंड टूरिज्म के, तो ये हैं आपके रणवीर सिंह। आप याद कर लीजिए स्विट्जरलैंड टूरिज्म के कौन है, रणवीर सिंह। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए डीमोनेटाइजेशन के लिए। 1946, 1978 और 2016 में हमारा सबसे 3 बार डीमोनेटाइजेशन अभी तक लग चुका है 1935 तक। उदय हेल्प नंबर ये कितना है, 1947, ठीक है ना, उदय हेल्प नंबर कौन सा है, 1947। 2016 टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये कब दिया गया, किसको दिया गया, ये 2016 में दिया गया है आपका टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमिताभ घोष को। किसको दिया गया, अमिताभ घोष। आप याद कर लीजिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अमिताभ घोष जी को 2016 में। वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है ना, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रफुल्ल पटेल। कौन है, प्रफुल्ल पटेल। जैसे आप याद कर सकते हो फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो ये प्रफुल्ल पटेल, ठीक है, फुटबॉल तो बॉल से हो गया आपको, इससे याद कर लीजिए प्रफुल्ल पटेल, फुटबॉल आ जाए प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस 2016, 2016 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, क्योंकि ये कुछ फेमस अवार्ड है तो इसीलिए इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं। तो किसको दिया गया, प्रियंका चोपड़ा को दिया गया था। आगे आपके करेंट अफेयर के क्वेश्चंस भी ऐड होंगे इस, है ना, आगे डिस्कस करेंगे इसमें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट रोबोट यूज्ड बाय द सिटी बैंक, ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ, एक फर्स्ट रोबोट बनाया गया यूज्ड बाय द सिटी बैंक, ठीक है, जो सिटी बैंक में यूज किया गया, तो इसका नाम क्या है इस रोबोट का जो सिटी बैंक में यूज किया गया, ये है लक्ष्मी। व्हाट इज दिस, लक्ष्मी। नेक्स्ट RFID स्टैंड फॉर, ये क्या है, RFID मींस है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2016 टॉप्ड बाय, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2016 किस देश में हुआ, ये है आपका हांगकांग, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2016 हांगकांग। ग्लोबल बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन इंडेक्स इंडोनेशिया। दोस्तों ये कुछ स्टैंडर्ड हैं जिसमें हम आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, कहाँ पे कैसा बिजनेस चल रहा है, तो किस देश को सबसे आगे रखा गया, तो वहाँ की बात कर रहा हूँ। ग्लोबल बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन इंडेक्स में कौन आता है नंबर 1 पर, इंडोनेशिया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विल हैव हाउ मच गवर्नमेंट इक्विटी, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, पोस्ट पेमेंट जो हम करते हैं, इसकी गवर्नमेंट की कितने परसेंट इक्विटी है, 100% है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट हेल्ड इन, पहली टूरिज्म को लेकर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई दोस्तों, बीजिंग में हुई, कहाँ हुई, बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। रुइंस ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ एबेडोस डेटिंग बैक अप्रोक्स 7000 ईयर्स फाउंड इन, कह रहे जो सबसे पुरानी सिटी है एबेडोस, जो आज भी है और 7000 पुरानी है, ये कौन सी है, तो ये है दोस्तों, ये है इजिप्ट। इजिप्ट आप समझते हो, इजिप्ट को हम लोग मिस्र भी कहते हैं, ठीक है, मिस्र की सभ्यता आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये कौन सी है जो 7000 साल पुरानी सिटी है, ये है आपका इजिप्ट। MDR स्टैंड्स फॉर, MDR क्या होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो कि हम लोग नॉर्मल बैंक वगैरह से या कोई भी आप टैक्स पेयर्स होंगे तो, ठीक है, तो इसके बारे में मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है आपका, कुछ जैसे आप कोई भी एजेंसी वगैरह खोले हुए तो वहाँ पर भी लगता है MDR, ठीक है, तो ये है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी टू कम अप टू, ठीक है, भारत की पहली रेलवे की यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनी हुई है, गुजरात में बनी है, जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, और डायरेक्टली वहाँ से कोर्स करने पर आप रेलवे में भी क्लरिकल
एग्ज़ाम्स को अलग से जो एग्ज़ाम होते हैं वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वहीं से ही प्लेस्ड हो जाते हो। तो ये पहली बनी हुई है आपकी गुजरात। इसराइल प्रेसिडेंट, इसराइल के प्रेसिडेंट कौन से हैं, ये हैं आपके रूवेन रिवलिन। क्या है? रूवेन रिवलिन। साउथ अफ्रीका के कौन है? जैकब जुमा। कौन है? जैकब जुमा। साउथ अफ्रीका के आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो जैकब जुमा हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है फाइडल कैस्ट्रोपोलिशियन फ्रॉम, जो फाइडल कैस्ट्रोपोलिशियन है ये पार्टी जो होती है ये कहाँ की है? ये है क्यूबा की। ठीक है, वहाँ पे फाइडल कैस्ट्रोपोलिशियंस होते हैं, ये क्यूबा है। नेक्स्ट एपेक समिट 2016 थीम, जो एपेक समिट हुआ 2016 का, इसकी थीम क्या थी? क्वालिटी ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, क्वालिटी को बढ़ाइए और ह्यूमन में डेवलपमेंट कीजिए। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ द नेशन बुक ऑथर, इसके वेल्थ ऑफ द नेशन जो बुक है इसके आपके लेखक कौन है? ये आपके एडम स्मिथ। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2017 टॉप्ड बाय, वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2016, मतलब इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बताया, ये कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2017, इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई है? कहाँ पर है? ये है आपका न्यूजीलैंड। कहाँ है दोस्तों? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट UPI इज़ लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट, तो UPI किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के द्वारा। NPCI के द्वारा UPI को लॉन्च किया गया। आपको पता है UPI क्या होता है? UPI ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैंगे, ठीक है, इंटरफेसिंग के लिए, ठीक है ना। हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करना है, डेटा के रूप में मींस हमें पैसे ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आज के समय में बन चुका है। GST स्लैब स्ट्रक्चर, GST जो है वो कितने कितने परसेंट का लगाया गया, ये आपका देखिए 5%, 12%, 18%, 28%, ये आपकी रेटिंग है अलग अलग छोटे से लेके बड़े सामानों पर। 5, 12, 18, 28, ये स्टैंडर्ड रेट है GST की। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के 2016 अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया आपका मनोज कुमार जी को। तो आप अच्छे से केयर करिएगा, मनोज कुमार जी को दिया गया। नेक्स्ट है जननपीत अवार्ड विनर, जननपीत अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया रघुवीर चौधरी। किसको? रघुवीर चौधरी। नंबर वन रैंक्ड इन ATP टेनिस रैंकिंग, ये एंडी मोरे। एंडी मोरे आपने बहुत नाम सुना होगा, एक 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 आपके फेडरर हैं, ठीक है, एक नोवाक जोकोविच हैं, इसी प्रकार से एक एंडी मुर्रे हैं, कुछ फेमस हैं खिलाड़ी हैं जो कि बहुत आगे रहते हैं टेनिस वगैरह की टीम में। तो फर्स्ट रैंक टेनिस रैंकिंग किसकी? एंडी मुर्रे की रही। चाइना ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन चैम्पियनशिप, तो इसमें कौन है? PV सिंधु सबसे आगे चल रही हैं अभी, जो हमारे भारत की ही हैं। कैपिटल ऑफ जाम्बिया, जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका। क्या है? लुसाका, जाम्बिया लुसाका, जाम्बिया लुसाका। लिथुआनिया, लिथुआनिया के हैं बिलनियस। क्या हैं? बिलनियस, ये आगे ठीक है कैपिटल है ये आपकी, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कैपिटल ऑफ लिथुआनिया बिलनियस। नेक्स्ट है पेरियर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये इंडिया में ही दोस्तों, केरला में पेरियर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है 9 जनवरी को क्या होता है दोस्तों? आपको पता है NRAD, ठीक है, NRID होता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, मतलब जो इंडिया के हैं लेकिन विदेशों में जाके उन्होंने रेसिडेंस वहाँ का ले लिया, वहाँ की नागरिकता ले ली, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली और वहीं रहते हैं, बट इंडिया में नहीं रहते लेकिन है ये इंडिया के, तो इन्हें क्या बोल देंगे हम लोग? NRI। वहाँ पे जाके इन्होंने बिजनेस जमा लिया, तो 9 जनवरी को आपका NRI डे होता है। नेक्स्ट पुष्कर फेस्टिवल रिलेटेड टू, पुष्कर फेस्टिवल जो है वो किससे रिलेटेड है? तो पुष्कर जो आपका फेस्टिवल है ये होता है आपका राजस्थान में। पुष्कर फेस्टिवल कहाँ होता है? राजस्थान में। 2018 एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में। आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 एशियन गेम्स ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। टाइलिंग फॉर सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय, टाइलिंग एक सैटेलाइट है ठीक है, जिसमें से 4 सैटेलाइट एक साथ छोड़ी गई थी, एक कहाँ से छोड़ी गई थी? चाइना से। तो नाम ही समझ में आ रहा है टाइलोंग, टाइलोंग आपको पता है ये चाइनीज नाम है, ठीक है। नेक्स्ट नोबल प्राइज़ 2016 इन लिटरेचर, लिटरेचर के फॉर्म में है, या लिटरेचर के लिए नोबल पुरस्कार 2016 किसे दिया गया? ये दिया गया बॉब डेलन को, बॉब डेलन।
बॉब डिलन को दिया गया लिटरेचर के केस में। नेक्स्ट है एटल पेमेंट बैंक इन विच स्टेट, ये अभी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, एटल पेमेंट बैंक ये राजस्थान बना हुआ है, ठीक है, डबल लग दिया गया ये क्वेश्चन। कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 फाइनल इंडिया डिफीट, कबड्डी जो वर्ल्ड कप हुआ था 2016 का, तो इंडिया ने किसको डिफीट किया इसमें, ईरान को, किसको डिफीट किया, ईरान, कबड्डी में ईरान को डिफीट कर दिया किसने, भारत ने। नेक्स्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन विच लेवल एटीएम्स, तो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होगा वाइट लेवल का वो कैसा होगा, है ना, ऑटोमेटेड ट्रेलिंग मशीन पर 100% है एफडीआई का, यानी कि हमारे भारत में पूरी तरीके से अब एटीएम आ चुके हैं, ये भी एक प्रकार से एफडीआई ही है, ठीक है, बाहर से ही आई हुई हैं सारी मशीन्स का काम। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक जो स्टैटिक मंत्रालय है ना, स्टैटिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो मंत्रालय है जिसे हम आईटी विभाग के अंतर्गत आता है, तो इसके आपके मिनिस्टर कौन है, हेड कौन है, ये हैं डीवी सदानंद गौड़ा, कौन है, डीवी सदानंद गौड़ा, उस समय थे, अब तो आपके रविशंकर जी बन गए हैं, रविशंकर जी आ गए हैं, ठीक है, तो ये अभी रिप्लेस हो गया है, मुझे रिप्लेस करना था इसके, आपके कौन बन गए, रविशंकर, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज फॉर, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसको दिया गया था, कॉन्टैक्ट थ्योरी के लिए, ये दिया हार्ड वेंकट एंड हॉलस्ट्रॉन्ग, ठीक है, कॉन्टैक्ट थ्योरी के लिए इकोनॉमिक नोबेल प्राइज दिया गया किसको, हार्ड वेंकट एंड हॉलस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वॉल्ट डिज्नी 2016 क्या है, इनकी अभी 45th एनिवर्सरी बनाई गई। कंपनीज टू स्पेंड एट लीस्ट हाउ मच ऑफ देयर प्रॉफिट एवरी ईयर इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो अभी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, कितना ये लोग इन्वेस्ट करते हैं एक्स्ट्रा सोशल एक्टिविटी के लिए, कोई भी कंपनी 2% मानक तय रखती है अपनी प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट इनका होता है। नेक्स्ट दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसके लिए कितने रुपये रखे गए, DDUGJY, ये क्वेश्चंस पेपर में आ भी जाते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं DDUGJY, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, इसके अंतर्गत कितने 76,000 करोड़ रुपए दिए गए। नेक्स्ट वेरिजोन एक्वायर्ड याहू फॉर, ठीक है, वेरिजोन ने अभी याहू को एक्वायर्ड कर लिया कितने रुपए देकर, ये 4.83 बिलियन डॉलर देकर वेरिजोन ने एक्वायर्ड कर लिया याहू को, ठीक है। क्रिकेटर टॉनी कॉइजर वॉज रेडियो कमेंटेटर, तो ये कहाँ के हैं, क्रिकेटर हैं एक टॉनी कॉइजर, ये रेडियो कमेंटेटर हैं, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट चल रहा है या जो भी गेम हमारा चल रहा है उसमें स्पीकअप जो होते हैं बोलते हैं किस प्रकार से आप खिलाड़ी खेल रहा है या कौन सी टीम आगे है पीछे, तो ये जो क्रिकेटर टॉनी कॉइजर हैं ये रेडियो कमेंटेटर भी रह चुके हैं, कहाँ के हैं, ये वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के हैं, कहाँ के हैं, वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के हैं। नेक्स्ट डिल्मा राउसेल्फ ये कौन है, ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, कौन, डिल्मा राउसेल्फ हो गया ब्राज़ील राउसेल्फ, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑफ LBG, ठीक है, LBG का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिले, ये किस स्कीम के तहत हुआ, पहल स्कीम, किसके तहत, ठीक है, ये आपका पहल LPG। नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ BPL का फुल फॉर्म क्या है, बैंकर्स प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़, ये है आपका BPL का फुल फॉर्म, बैंकर प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़, ये फुल फॉर्म एग्ज़ाम्स में आते हैं और डेफिनेटली ये तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो चाहे टेक्निकल स्टूडेंट हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो है ना, तो आप इन्हें अच्छे से कवर करिएगा। फुल फॉर्म ऑफ CRY ऑर्गेनाइजेशन, CRY फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है, चाइल्ड राइट्स एंड यू, ठीक है, बच्चे का अधिकार और आप, ठीक है, उसके साथ हैं जो, तो ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ पी नोट्स का फुल फॉर्म यहाँ पे है पार्टिसिपेटरी नोट्स, क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट्स। हाउ मैनी करेंसी प्रिंटेड प्रेस प्लेस आर इन इंडिया, तो प्रिंटिंग प्रेस की कितनी कंपनी है अपने इंडिया में, 4, कितनी है, 4। जैतपुर पावर प्लांट कहाँ है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, जैतपुर पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट नोबल पीस प्राइज विनर 2016, ये कौन है आपकी, ये जुआन मैनुअल संतोस जो है नोबल पीस विनर है। पिन का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जो हमारे मोबाइल पे पूछा जाता है कभी भी हम कोडिंग करते हैं तो, ठीक है, पूछते हैं कोई भी बुकिंग करते हैं तो ये आता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेक्शंस 122 खंड 122 जो है वो किसके बारे में बताता है, ये बताता है GST के बारे में, ठीक है, अनुच्छेद पढ़ लेते हैं ना, GST के बारे में बताता है 122। स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म अवार्ड विनर,
ठीक है, स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म विनर अवार्ड जो है ये किसको दिया गया, ये दिया गया आपका अवार्ड विनर कौन रहे, मुर्गा, नाम है मुर्गा। व्हाट डज वैसल नॉर्म्स रिलेटेड टू, व्हाट डज वैसल्स नॉर्म्स, जो वैसल्स नॉर्म होते हैं किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से। विच सिटी इज़ नोन एज द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, गोल्डन सिटी अमृतसर, सभी को पता है गोल्डन टेम्पल वहीं है हमारा, अमृतसर हो गया। हु इशू कॉइन्स इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉइन्स को इशू किया। नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लें आज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इंडिया रैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कितनी है, तो इंडिया की रैंक है 112, कितनी है दोस्तों, इंडिया की रैंक है आपकी 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ल्ड टॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज ओपन इन चाइना, ठीक है आपने देखा होगा ये टीवी में भी बहुत चर्चा में हुआ था, सबसे ऊंची और सबसे लंबी कांच की जो ब्रिज है ये पहाड़ से लगा हुआ है, बिल्कुल कहाँ है, चाइना में। योग दिवस कब होता है, योगा डे 21 जून। नेक्स्ट चंबल रिवर फ्लो फ्रॉम मध्य प्रदेश टू राजस्थान, मध्य प्रदेश से कहाँ जाती है, आपका जो पूरा मैप है ये मध्य प्रदेश का, ये यहाँ पे राजस्थान है, तो मध्य प्रदेश से कहाँ जाती है, राजस्थान में जाती है, ये जा रही है ना चंबल। नेक्स्ट है CHOGM 2018 मीटिंग, कोगम मीटिंग कहाँ पे हुई, यूनाइटेड किंगडम UK में, ब्रिटेन में। गोविंद सागर डैम ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, गोविंद सागर डैम सभी को पता है ये। हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कहाँ है, कौन सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश हाईएस्ट पॉपुलेटेड है, ठीक है। हाईएस्ट एजुकेटेड कौन सी है, केरला, ठीक है ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन वगैरह कहाँ है, ठीक है यानी वृक्ष कहाँ है, मध्य प्रदेश MP, ठीक है। हिमांस हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर, ठीक है हिमांस हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, हिमांस के नाम से रखा गया है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप कहाँ लगा है, नासा में। ह्यूरिकेन मैथ्यू हिट्स, ह्यूरिकेन मैथ्यू हिट्स कहाँ है, हैती, हैती एक बहुत ही अच्छी घूमने की जगह है उत्तरांचल में, ठीक है ह्यूरिकेन मैथ्यू हिल्स है यहाँ पे। किंग भूमि बोल अब्दुल अजीज़ पास्ट अवे, अभी ये हाल ही में चले गए, ये राजा थे, ठीक है भूमि बोल अब्दुल अजीज़ पास्ट अवे चले गए, ये कहाँ के राजा थे, ये थे थाईलैंड के, ठीक है। लीगो लैब आउटसाइड USA, लीगो लैब आउटसाइड USA कहाँ ये, ठीक है USA के बारे की लीगो लैब है ये, और कहाँ है ये आपका, महाराष्ट्र। मगदिशु इज़ द कैपिटल ऑफ सोमालिया, सोमालिया का मगदिशु, ठीक है सोमालिया के है, सोमालिया कहाँ की है, मगदिशु की कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन ब्रांड अम्बेसडर, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन के ब्रांड अम्बेसडर कौन है, ये आपकी माधुरी दीक्षित, तो ये है आपकी माधुरी दीक्षित, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन ब्रांड अम्बेसडर, तो एक मदर के लिए ने ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया माधुरी दीक्षित को। नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक 2016 ऑलिव हार्ट्स एंड वेंगर्ड हॉल्स, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था अभी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबल प्राइज किसको दिया, ठीक है तो ये दिया आपको ऑलिव हार्ट और वेंकट हॉल्मस्टॉक। 1 रुपी नोट्स वेयर सिग्नेचर ऑफ किसके होते, भारत के वित्त सचिव के होते हैं, 1 रुपये के नोट्स पर सिग्नेचर किसके होते हैं, भारत के वित्त सचिव यानी कि फिनांस्ड सेक्रेटरी की, और बाकी जो नोट पर गवर्नर जो साइन होते हैं वो RBI के गवर्नर के होते हैं, याद रखिएगा, पर 1 रुपये के नोट पर साइन होते हैं भारत के वित्त सचिव के यानी कि फिनांस सेक्रेटरी। पवन कुमार चावलिंग इज़ द CM ऑफ सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट PMJDY फिनेंशियल इंक्लूजन, PMJDY क्या है, जो ज्योति योजना है एक डेवलपमेंट की, ठीक है PM की, तो ये क्या है, फिनेंशियल इंक्लूजन। रिवर ऑफ सोरो ये है दामोदर रिवर, रिवर ऑफ सोरो किसे, दुखों की नदी किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे कब होता है, 20 नवंबर। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपका बिहार, बिहार आप याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। विच शूटर डिक्लेयर एज अ चैंपियनशिप ऑफ द चैंपियंस, चैंपियन का भी चैंपियन कौन है, जीतू राय, जीतू राय। वर्ल्ड डायबिटीज डे 2016 थीम, तो 2016 में वर्ल्ड डायबिटीज डे जो हुआ था उसकी थीम क्या थी, आइज ऑन डायबिटीज, आंसर आइज ऑन डायबिटीज। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डे, NRLM, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है, डे NRLM का दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, आप इसे याद कर सकते हैं, इसे मैंने नोट किया गया है, इधर पे दिया गया है, ठीक है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। और लास्ट क्वेश्चन आज का, नंबर ऑफ द मेडल्स वोन बाय द इंडियन 2016 रियो ओलंपिक, तो रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ था रियो में,
अफ्रीका के जो रियो में हुआ था, ठीक है, तो उसमें कितने मेडल्स आए थे, इंडिया ने कितने जीते थे, 2 मेडल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये आपको 100 तक क्वेश्चन आपको GK GS वाले करंट अफेयर से भेज दिए हैं, 16, 18, 19 तक का जो पार्ट है जो मैंने यहाँ पे कवर किया है 650 क्वेश्चन का। मैं कोशिश करूँगा ऐसे 3 से 4 वीडियोज़ में आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से दूँ, सारा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूँ, ताकि आपके क्वेश्चन माइंड में बैठ जाए और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से केयर करिएगा, पढ़िएगा। और मैं फिर से कहूँगा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो भी ईजिली मिल जाए। ओके, इससे आपका ही बेनिफिट है। और अच्छे से केयर करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कंसर्न कर सकते हैं वाय द कमेंट। ओके, जितना हो सके शेयर करिएगा वीडियो। ओके दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, नमस्कार।